प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष असंख्य ब्रह्मांड के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी, ये हम सभी प्राणियों के उत्पत्ति करता है, ये हम सभी के पिता हैं। और पुण्यात्माओं, आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो, आप जी को यहाँ बाई फोर्स रखा हुआ है, विवश करके आपको मिसगाइड करके, जैसे एक आप फिल्म देखा करते थे जो खलनायक होता था, वो व्यवहार आज यहाँ हमारे साथ, यहाँ का स्वामी, यहाँ का प्रभु ये ब्रह्म कर रहा है, ज्योति निरंजन काल कर रहा है। हमें किसी भी वस्तु से यथार्थता उसकी परिचित हमसे नहीं होने देता, हमें ये नहीं मालूम हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, हमारे को ऐसा शरीर दे दिया, इसमें हर समय कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, ऐसे लोक में हमारा जन्म कर दिया, यहाँ आपदाएं आपदाएं ही हैं, हिंसक पशु पक्षी बना दिए हमारे में से ही एक दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए, मच्छर बना दिए, मक्खी बना दी, और भी भयंकर बिच्छू बना दिए, बिरड़ और ततैये बना दिए, सर्प बना दिए, जंगली जानवर शेर बना दिए। हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं और काल हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है, उस परमेश्वर का कबीर परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है और हमें परेशान कर रहा है। क्योंकि हम उस परम पिता के बच्चे हैं और इस काल भगवान ने सतलोक के अंदर एक भयंकर गलती करी थी, जिसके कारण इसको 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निष्कासित कर दिया था, और हमने भी एक भयंकर भूल करी थी, जिस कारण से हम भी इसके साथ यहां आ गए। अब ये हमें इसलिए परेशान करता है कि इनका पिता दुखी होगा इनके दुख को देख देख के। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, कोई भी प्राणी इस संसार में सुखी नहीं है, और कोई ये सोचता है कि मैं सुखी हूँ, इस झूठे सुख को सुख भी मान बैठा है, अच्छी पोस्ट है, कोई अच्छा प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, और वो ये सोचता है इस झूठे सुख को कि मैं बहुत सुखी हूँ। अन्य दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि भाई इसकी तो बड़ी मौज माचरी है। अब हमने उस झूठे सुख के आधार से वो बहुत सुखी और बहुत ही प्रभावशाली प्रभुता युक्त प्राणी नजर आता है, और एक सेकंड में ना जाने के घटना घट जाए उसके साथ में, और सत भक्ति ना करने से फिर वही प्राणी जो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, नेक्स्ट जीवन उसका गधे और कुत्ते का होगा, ये विधान है परमात्मा का। आप बहुत सा प्रमाण देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, सुनते भी हो, टीवी पर देखते हो, कोई बहुत बड़ा सेठ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे एक मुख्यमंत्री
हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसके कितने इरादे थे, कितनी इच्छाएं थी, कहाँ उनके लिए गले में डालने के लिए हार लिए खड़े थे लोग। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर हेलीकॉप्टर से ही गिर के मृत्यु होगी, क्रश हो गया हेलीकॉप्टर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आप यहाँ इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो, यहाँ पर सुख नाम की वस्तु नहीं है। हमने इन हल्के दुखों को ही सुख मान लिया, हम इसी को सुख मान कर इसी में व्यस्त हैं, मस्त हैं। परमात्मा ने आके हमें ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, और जो सुख तुम यहाँ इस जैसे कोई कीट कीड़ा और नमक की बोरी में गिर जाता है, और वहाँ वो उस नमक की बोरी में और टेस्ट ढूंढता है बुरा वाला, कभी नहीं मिल सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। आज हम इस नमक की बोरी में पड़े हैं और हम बुरा का टेस्ट ढूंढ रहे हैं। बुरा का टेस्ट तो पुण्यात्माओं बुरा की बोरी में ही मिलेगा। वह बुरा की बोरी है सतलोक सचखंड, उस अमर लोक। और जब तक उस बुरा की बोरी में हम नहीं गिरेंगे, वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, से कितनी कोशिश कर लेना। समझदार को संकेत बहुत है। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो सुख जिसे तुम छोड़ आए, अब तुम्हें वो याद आ रहा है, यहाँ वो मिल नहीं सकता। इस काल भगवान ने आप जी को मूर्ख बना रखा है, धोखे में रखा हुआ है, हमारे साथ ऐसी इतनी बुद्धि दे रखी है हमारे को, जैसे कोई पशु भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस भैंस के मरे हुए बच्चे के खाल उतरवा के उसके अंदर भूस भरवा के और एक दूम दूम रख लेते हैं उसकी, बाकी चाम होता है उसका सिर भी नहीं होता, और उसको उस भैंस के सामने रख देते, भैंस उसको अपना बच्चा मानकर उसको चाटती है, प्यार करती है, फिर दूध देना शुरू कर देती है, और व्यापारी उस भूस भरे हुए चाम को खाल को लेकर चल पड़ता है, वो भैंस पीछे पीछे र्या र्या करती हुई भागती अपना बच्चा समझकर, उसमें तो सारा भूस भरा है, खाल खाल लपेट रखी है। यही स्थिति हमारे साथ यहाँ कर रखी है, जिनको हम अपना बेटा बेटी पिता पुत्र समझते हैं, इस काल ने हार्ड चाम मांस ये सारा गंद भर के ऊपर चाम लपेट रखा है, और इनको हम अपना मानते हैं, ये इतनी इतनी सी बुद्धि दे रखी है हमारे को। पुण्यात्मा, जब हम सतलोक में जाएंगे, हमें वो शरीर मिलेगा जो कभी एंड नहीं होता, जिसमें ये गंद नहीं है, जिसमें ये स्नायु नहीं है, नाड़ी नहीं है, वो एक तत्व से बना हुआ है, उसमें ना कोई बीपी आई हो, ना कोई लो होता, ना कोई रोग ना कोड बनता, और वहाँ टेंशन नाम की चीज नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है, बड़े भंडार है परमात्मा के। सतलोक के अंदर सब वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, वहाँ कोई वस्तु खराब नहीं होती, वो ऐसा लोक है, वहाँ का ऐसा आहार है, जैसे यहाँ पर एक गंगा दरिया है भारतवर्ष में, गंगा दरिया का जल आप कितने वर्ष तक किसी बोतल में डाल कर रख लो, कभी खराब नहीं होगा। ये एक सैंपल है वहाँ का, सतलोक से आया हुआ ये जल है, और वहाँ से फिर यहाँ प्रकट किया परमात्मा ने, ये प्रमाण देने के लिए कि हमारा ऐसा पदार्थ है वहाँ के, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी खराब नहीं होते। तो हम उस स्थान को, उस सुख को छोड़ आए, वहाँ कोई काम नहीं, पुण्यात्माओं या कोई भी काम करके राजी नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ये पेट ऐसा लगा दिया, इसने कर्म नहीं करेंगे तो इसका निर्वाह हो ही नहीं सकता, ये शरीर ऐसा बना दिया, इसकी इसी की सुरक्षा में, इसी के भरने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर हम फिजूल की बकवादों में बढ़ जाते हैं, कोठी बना ले, पहले हमने देखे हमारे दादे पड़दादे
कच्चे मकानों में हट डाल कर झोंपड़ियों में सौ सौ वर्ष व्यतीत कर गए। एक टाइम में पास तो करना हमने, यहाँ बता कोठी बना ली, कल मृत्यु होगी। फिर वो कोठा के काम आया उसके, वो गधा बनकर शहर से पट्टे कर रहा को मार के यहाँ पर, और कोठी बनी पड़ी है कहीं पर, काम आई है। तो ये अंधा बना रखे हमारे को, हमारा टाइम वेस्ट कराने के लिए, मनुष्य जीवन बर्बाद कराने के लिए इसने हमारे अंदर ऐसे खुरापात भर रखे हैं। इनको हटाने के लिए परमात्मा आए, उन्होंने तत्व ज्ञान बताया, और जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के इस ज्ञान पर विश्वास किया उनका कल्याण हो गया। पुण्यात्माओं, जो ये सत्संग समारोह चल रहा है, ये किस उपलक्ष में है? ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में एक जंगल में मिले थे, जहां गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक और साथ में अन्य पाली गौवें चरा रहे थे जंगल में अपने ही खेतों में। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और वहां जंगल में आकर के एक साधु रूप बना करके गरीबदास साहिब जी को मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, और भी पाली वहां थे। परमात्मा से उन्होंने कहा कि महाराज रोटी खा लो, भोजन पा लो। परमेश्वर ने कहा भी भोजन तो हम खा कर आए, अपने गांव से खा कर आए। आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है आपका गांव? परमेश्वर ने बताया कि 16 शंख कोस की दूरी पर यहाँ से है मेरा सतलोक है वो गांव। बच्चों को ये समझ नहीं आई कि सतलोक होगा कोई गांव, 16 कोस पर होगा। वो कह रहे थे 16 शंख कोस पर, नील पद्म शंख। उन्होंने पालियों ने कहा कि आप भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा दूध पिलाना है तो मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तब वो बड़े बड़े पाली थे, वो मजाक करने लगे, कहने लगे बाबा जी तेरे दूध पीने की नीत नहीं, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा भी हाँ, हमारे यहाँ कुंवारी गायें दूध देती हैं। गरीबदास जी की एक बहुत प्रिय बछिया थी जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, अभी वो अधन्या थी, अभी अधन्या यानी बिना धनाई थी, कुंवारी थी। उसको ले आए और कहा देखो महाराज जी बच्चा है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमात्मा ने उसकी कमर पर ऐसे आशीर्वाद भरा, हाथ लगाया, थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और कहा एक पात्र लाओ, एक लस्सी का मटका छोटा सा ले जाया करते, ब्रोला बोलते हमारी तरफ, जिसमें 5-4 किलो पदार्थ आ जाता था। वो नीचे रख दिया, साफ करके धोकर रखा हुआ था, और सतन से दूध शुरू हो गया। वो पात्र भरते ही बंद हो गया, तब आधा परमेश्वर ने पिया, आधा गरीबदास जी ने पिया। तो पुण्यात्मा दूसरे पालियों से कहा लिया भी तुम भी पी लो, वो मना कर गए कि हम नहीं पियेंगे पाप का दूध, जादू जंतर का निकाला है तूने, और तेरी जात का पता नहीं, तूने झूठा कर दिया, तू कौन है, कहाँ से आया? गरीबदास साहिब जी ने कहा कि लाओ प्रभु मुझे दे दो दूध, आपका झूठा आपका अमृत हमें कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं ये पिछले संस्कारों से ऐसा स्वभाव बचपन से ही हो जाता है बालक का। फिर गरीबदास जी को ज्ञान सुनाया परमात्मा ने, फिर गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे अपना वो लोक दिखा दो जहाँ पर प्राणी कभी जन्मते मरते नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, सर्व सुख ही सुख है। तब सतलोक में लेकर गए परमात्मा गरीबदास जी को, शरीर वहीं रह गया, उसको मृत जान करके चिता पर रख दिया। गांव वालों ने, कुल के लोगों ने जलाना चाहा, संस्कार करना चाहा,
तब तक परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों का उसको भ्रमण करा के अपनी स्थिति से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। और 10 वर्ष के बालक जीवित हो गए। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा का वर्णन कहा जो आज सभी वेदों से भी मिलता है और सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। सब संतों की जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई वाणी एक जैसी ही है। ये वो शुभ दिन है पुण्यात्मा, परमात्मा ने स्वयं दया करी, अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को यह ज्ञान दे दिया जिससे हम आज अपने परमात्मा को पहचान सकेंगे, और वो समाधान दे दिया इसमें जो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं था, वो सतनाम और सारनाम। सतनाम ये 2 अक्षर का है और आदि नाम ये गुप्त है, ये दास बताएगा। इन 3 मंत्र हैं ये ओम तत् सत, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में प्रमाण है। ओम तत् सत, ओम तो सर्वपुरुष का यानी ब्रह्म का, ये तो सार्वजनिक है, सीधा ही यही ओम मंत्र है। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। तो इन 3 मंत्रों से मोक्ष होगा। 2 मंत्र ओम और तत् मिलके ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का, और आदि नाम वो सारनाम है, वो अलग है, वो उसमें आपको दिया जा सकता है जिसमें आपकी भक्ति इस सतनाम के जाप का ढेर लग जाएगा। अब जैसे आज उन पुण्यात्माओं को बुला रखा है जिनको सारनाम दिया जाएगा, उनसे प्रार्थना है कि वो उतावले ना हो और इस दास के प्रत्येक जो भी क्रिया है या जैसा भी आदेश है उसका पालन करते रहे, क्योंकि डॉक्टर सबका हितैषी होता है। जितने भी पेशेंट उसके उपचाराधीन होते हैं उसको सब का पता होता है किसको किस समय कौन सी डोज देनी होती है, और मरीज उतावला ना होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर कोई अनजान नहीं है। इसलिए आप जी को ये सारनाम दिया जाएगा, जैसे ये कई पंथ देते हैं, ये नकली नाम देते हैं डुप्लीकेट काल के, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये मोक्ष के मंत्र नहीं है। कोई मंत्र देता है अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरख, ये मंत्र बना लिए इन्होंने, और ये वही जैसे राधा स्वामी वाले आगरा और ब्यास वाले, दिल्ली वाले, छतरपुर वाले और ठाकुर जी वाले और जय गुरुदेव मथुरा वाले, ये सभी ये 5 नाम देते हैं, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोहम शब्द देने का कोई भी अधिकारी नहीं इस पृथ्वी पर, ये डुप्लीकेट काम कर रहे हैं सारा। और अधिकारी के बिना आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के देख लो, वो भी काम ना दे। पास हमने बनवाना सतलोक जाने का पासपोर्ट, तो नकली पासपोर्ट भी काम नहीं आवे, क्योंकि जहाँ इसकी जांच होगी वहाँ पर फिर बुरा हाल होगा आप लोगों का। तो पहले ही सावधान होना चाहिए कि हमारा ये पासपोर्ट है ये ठीक भी है कि नहीं। तो वो अनाधिकारी हैं, उनके पास ये सोहम शब्द देने का इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है। कोई देता है तो डुप्लीकेट काम कर रहा है, वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहा है और उन प्राणियों का व्यर्थ कर रहा है। इस दास को ही परमात्मा ने आदेश दिया है इस सतनाम और सारनाम देने का इस पृथ्वी पर, आगे किसी को पहले भी नहीं आदेश था।
जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको कहा तुम स्वयं जाप करो, पर आगे किसी को ये मंत्र बताना नहीं। उनका कल्याण हुआ। जैसे कौन कौन है उनमें? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी। अब ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, ये बहुत बड़े सेठ थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी ये किसान थे, खत्री गोत्र से यानी अरोड़ा जाति से। और आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली थे, तेल का काम करते थे, कोल्लू चलाते थे बैलों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान थे, जाट जाति से, गांव छुड़ाने जिला जद्दर हरियाणा से। आदरणीय घीसादास साहिब जी ये भी किसान थे, लेकिन ये चमार जाति से थे किसान, इनके जो पास जमीन थी, और गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, इनकी वाणी में यही मंत्र, दो अक्षर का मंत्र अलग से लिखा हुआ स्पेशल, और वो स्वयं जाप करते थे। इनको मना कर दिया था कि ये मंत्र आप एज एफिडेविट लिख दो अपनी वाणी में, ताकि उस समय काम आवेगा बच्चों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि सचमुच ये है वो आदि नाम, ये है वो सतनाम। और आदि नाम भी लिखा हुआ ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में भी है, आदरणीय घीसादास जी की वाणी में भी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में, इन सभी महापुरुषों की वाणी में है। और जिन महापुरुषों को मिले उनमें से आदरणीय नामदेव साहिब जी भी हैं, आदरणीय रविदास साहिब जी भी उन महापुरुषों में से हैं जिनको परमात्मा मिले, क्योंकि वो तो साथ ही रहते थे उनके, और उनको भी ऐसी सती थी करी थी, उनको सतलोक सचखंड दिखाया था जब उनका विश्वास हुआ था। तो इन सभी महापुरुषों की वाणी में यही सतनाम है, दो अक्षर का, इन्होंने यही जाप किया। अब जैसे एक बार धर्मदास साहिब जी से कहा था परमात्मा ने कि धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार नाम किते बार ना जाई, और सार नाम जय बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नीत रही। फिर कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीत रही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाई। तो इतना सख्त आदेश दे दिया था कि लाख दुहाई, लाख दुहाई, ये सतनाम किसी को बताना नहीं। अब ये परमात्मा जो है, पूर्ण परमात्मा, जैसे इनकी गुणों में लिखा हुआ है, परमात्मा के गुण वेदों में विद्यमान है और उन महापुरुषों की अमरवाणी में विद्यमान है जिनको परमात्मा सीधे आकर मिले और सचखंड सतलोक से परिचित करवाया, उनमें भी प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, और भी बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं वेदों में कि वो परमात्मा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर परमात्मा, देव कहो, साहब कहो, अल्लाह कहो, गॉड खुदा कहो, वो कबीर साहब परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है। तीसरा मुक्ति धाम तीसरा है,
जैसे एक लोक तो काल का, 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और दूसरा अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, ये दूसरा लोक, और तीसरा लोक सतलोक है जहाँ बैठकर परमात्मा सबकी रचना की और सबको संभाल रहा है, सबका कंट्रोल कर रहा है, वो सतलोक है। वहाँ कबीर साहब रहते हैं, सतपुरुष रहते हैं, तो वहाँ से वो गति करके आते हैं, चल कर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और वो परमात्मा कवि की तरह यहाँ घूमते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, और वो होते हैं कबीर देव, वो होते हैं परमात्मा, और वो एक सुप्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अमर पुरुष कबीर देव होते हैं। अपनात्माओं, इसी गुण के आधार से परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले। जैसे ये समागम उसी उपलक्ष में हो रहा है, यदि वो परमात्मा नहीं आते, पुण्यात्माओं, हमें कभी भी रास्ता नहीं मिलता। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये सत्कर मान लेना, दास अभिमान नहीं करता, लेकिन सत ज्ञान बता रहा है, सच्चाई बता रहा है, क्योंकि ये काल नहीं किसी को सत रास्ता देता, ये तो समर्थ आते हैं, इसकी छाती पर पीसना पीसते हैं और इसको एक तरफ बैठा करके तब अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाते हैं। इसका दाव लगते ही ये फिर नाम खंड करवा देता है, और नाम खंड होने से भगवान से हम दूर हो जाते हैं और काल के ही जाल में रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस मार्ग पर सफल होने के लिए इस दास के वचन अर्थात जो मर्यादा हैं उनको लक्ष्मण रेखा समझनी पड़ेगी। जैसे एक बार श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भाई भी था उसका, और एक छल किया था रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए, तो उसमें उसका रावण का मामा मारीची एक हिरण बनकर स्वर्ण का सोने का, और सीता जी ने वहाँ कोई बगीची लगा रखी थी उसको तोड़न लग गया। सीता ने उसको देखा और कहा, उस पर आसक्त होगी, अपने पति से कहा कि इस हिरण को मेरे लिए लाओ, मुर्दा लाओ चाहे जिंदा लाओ, मुझे चाहिए। श्री राम उनके पीछे चल पड़ा, वो आगे भाग लिया स्पीड तय, पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया। तो सीता ने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, तेरा भाई आपत्ति में है, तू जाइए। और रामचंद्र जी कह कर गए थे लक्ष्मण को कि तू आई तू मत आना, जंगल का काम है, कोई आपत्ति ना आ जाए सीता पे। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश नहीं है। तो सीता ने बुरा भला कह दिया कि तेरी नीत में खोट है, तू चाहता है वो मर जावे, तू मुझे पत्नी बनाना चाहता है। इस बात का दुख माना उसने लक्ष्मण ने और कहा ठीक है माता मैं जाता हूँ। बड़ी भाभी को माता के तुल मानता था, उसके मन में दोष था सीता के, लेकिन एक काम करना, मैं तेरी झोपड़ी के चारों तरफ एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूँ, तू इसे बाहर मत जाना। सीता ने कहा ठीक है, लक्ष्मण भी चला गया। पीछे से रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, और कहा माई आटा दे। सीता ने कहा आजा महाराज ले जाओ। रावण जो ही उस रेखा के निकट आया, उसमें से अग्नि निकली भयंकर, उसको खत्म कर देती। रावण एक 10 कदम पीछे गया बहुत स्पीड से और कहा कि आटा देना है तो इसे बाहर आकर दो, साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर आ जाती हूँ रेखा उल्लंघ कर, ऐसा उसने अपनी सोच से सोचा। आटा लेकर के बाहर निकली, जो भी भिक्षा डालनी थी वो लेकर के रेखा पार करके आगे चली गई। रावण ने वहीं से बाजू पकड़ी और कंधे पर डाल ली और उठा ले गया। अपने आत्माओं, जो उस रेखा को लगा कर गए वो कोई मूर्ख थोड़ी थे, वो उसकी अज्ञान सोचती के फर्क पड़ा है, ईब गईर अभी आ जाते हूँ, अब कितना फर्क पड़ गया।
और कैसे आई वापस, करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए, आप भी प्राण माटी करवाई और लाखों लोग मरवा दिए। तो पुण्यात्मा, परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगैनी तेरा बाना। जब लग ये हंस, ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे तब तक काल बली तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता इन हंसों पर, और जब मर्यादा तोड़ देंगे तो फिर रावण की तरह बाजू पकड़ ले जाओगा यू काल, और बहुत दुर्गति हो जाएगी आपकी। तो इसमें सबसे बड़ी मर्यादा है, मर्यादा में रहना है, और ये फिर मोक्ष दूर नहीं है। तो इस परमात्मा अपने उस विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, सतलोक से चलकर आता है। उनमें से किन किन महापुरुषों को मिले, और उसमें यह भी लिखा कि वो दृढ़ भक्त को मिलता है, नकली को नहीं मिलता। उनमें से कौन कौन भक्त हैं जो अभी आपको वर्णित किए, अपुणात्माओं ये 7 दिवसीय सत्संग इसीलिए किया गया है कि इसमें हम विशेष डिटेल से आपको सत्संग सुना सके, क्योंकि ये इतना विस्तार से ज्ञान देना पड़ता है, उस अज्ञान को हटाना पड़ता है, वो रेग मार लगाना पड़ता है जो अज्ञान हमने ठोक रखा है, भर रखा है हमारे अंदर उस अज्ञानी संतों ऋषियों ने। उसके साथ साथ ये ज्ञान सुनाकर, ये प्रमाण दिखाकर, सदग्रंथ दिखाकर, महापुरुषों के महिमा सुना करके वो रेग मार लगा जाता है, और फिर यथार्थ ज्ञान ओरिजिनल पेंट आप पर किया जाता है। यदि जरा सा भी पुराना रंग आपके ऊपर रह गया तो ओरिजिनल पेंट को वो टिकन नहीं देगा, सेट नहीं होने देगा। इसलिए इतनी मेहनत ये दास करता है, बार बार समझाने की चेष्टा करता है, बार बार प्रमाण देता है, रह रहकर वो कथाएं सुनाता है जो आपके हृदय में जमा हो जाए, जैसे ये पुराना रंग जमा हो चुका है और वो निकल जाए, ये समा जाए। अब ये जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है। कौन सा दिन? जिस दिन परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है आपने देखा, और फिर इन महापुरुषों की जीवनी में प्रमाण है कि कौन परमात्मा ने ऐसी लीला की। तो इसे भगवान भी पहचान में आएगा और ज्ञान भी समझ में आएगा, और समाधान भी पक्का होगा कि सचमुच यही है वो परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा की विधि भी यही है। आपको अब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, ये अमर कथा सुनाते हैं, सत्य कथा। आदरणीय नानक साहिब जी पश्चिमी पाकिस्तान, पहले ही सारा भारत ही था, गांव तलवंडी, कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका जन्म हुआ। वो पेशे से पटवारी थे और नानक साहिब जी बहुत ही पिछले संस्कारी थे, उसके जन्म हुआ उनके यहाँ पर। आदरणीय नानक साहिब जी के पिछले 2 जन्मों की जानकारी दास को और है जो सदग्रंथ में लिखी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताई है। सतयुग में यही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे, बहुत बड़े धर्मात्मा, धार्मिक, विष्णु जी के उपासक थे। त्रेता युग में यही राजा जनक हुए, वो भी विष्णु जी के बहुत अच्छे उपासक थे। और फिर अपने पुनों को स्वर्ग में समाप्त करके फिर ये कहाँ जन्मे, श्री कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर। पहले ये राजा थे, पुनकर्मों के कारण इनके सैकड़ों हजारों नौकर रहा करते थे, और सत साधना ना मिलने से पुनों को अक्षीण करके यही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ नौकर लगे। पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 4 के
और श्लोक नंबर 32 में कहा कि परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान प्रदान करता है। विस्तार के साथ कहता है और वो तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान के समझने के बाद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, तत्वदर्शी संत के पास पहुंच जाता है, उस ज्ञान से परिचित होता है, तो वो फिर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, क्योंकि वो उस तत्वर्म से और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका होता है। तो आप जी को सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से भी साथ साथ परिचित कराना पड़ेगा दास ने, क्योंकि दास वो तत्वदर्शी संत है और परमात्मा ने बनाकर आपके लिए भेज रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्म लोक इस ब्रह्म का अंतिम मोक्ष स्थान है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, यही एक मंत्र अक्षर है, एक अक्षर का मंत्र है, और जो इसको अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से ब्रह्म गति होनी है, ओम से ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, और विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी इनके लोकों में गए हुए तो बहुत शीघ्र आ जाते हैं। तो आदरणीय नानक साहिब जी वाली आत्मा पहले राजा अम्बरीश थे, फिर स्वर्ग में अपना पुण्य भोग कर विष्णु उपासक थे, फिर राजा जनक बने, राजा जनक के समय का भी अपना पुण्य स्वर्ग में भोग कर फिर ये श्री नानक जी बने। पहले इनके नौकर रहते थे, राजा थे जब ये, अब स्वयं नौकर लग गए। अब बचपन से ही इनको एक ब्रजलाल पांडे नाम का ब्राह्मण इनको गीता का ज्ञान कराया करता था। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग अपनी कथाएं सुनाते थे, और पहले हमारे माता पिता जो पूर्वज थे वो बहुत नेक थे, वो बच्चों को धार्मिक ज्ञान अवश्य ग्रहण करवाते थे कि ताकि ये बिगड़े नहीं, बुराई से बच के रहे मेरा बेटा। और उधर से नानक साहेब जी को फारसी के भी टीचर थे, वहाँ भी वो पढ़ा करते थे। ब्रजलाल पांडे से उसने जो ज्ञान ग्रहण किया था नानक साहेब जी ने कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार थे और कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान दिया, जैसा कि पूरे हिंदू समाज के अंदर ये लोक वेद समाया हुआ है, ऐसा ही उनको ज्ञान था। अब नानक साहिब जी की बहन नानकी सुल्तानपुर में ब्याही थी, उनका बहनोई जयराम नाम था उनका, उसने नानक साहिब जी को वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी दिलवा दी और नानक जी वहीं रहने लग गए। और उनके दो पुत्र भी हो चुके थे नानक जी के, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद नाम के। अब सुल्तानपुर के साथ से एक बेई नदी बह रही है, बेई दरिया। प्रतिदिन सभी गांव के नगर के निवासी वहां स्नान करने के लिए जाते थे, घाट बना रखा था, प्रतिदिन नानक साहेब जी जाते थे वहां, क्योंकि ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, पीछे बड़े अच्छे भक्त रहे थे, राजा होते भी ये भक्त थे, किसी की आत्मा नहीं दुखाया करते थे, न्यायकारी व्यक्ति थे।
और अब उसको वो स्वभाव जो का तू रहता है सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण में, स्नान करके घंटों वहाँ बैठ के चिंतन करते थे और गायत्री मंत्र का भी जाप करते थे जो इन्होंने बना रखा है, और गीता जी के कुछ श्लोक याद कर रखे थे उनको भी वहाँ याद करते थे। अब वो परमात्मा कहता गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आदरणीय गरीब दास साहिब जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः प्रकट करवाई है, जैसा कि आपने कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ 136 और 37 पर पढ़ा के बारहवा पंथ गरीबदास पंथ होगा, संवत 1774 में 75 लिखा वैसे गलती से, संवत 1774 में वो प्रगट होगा, फिर उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, और बारहवें पंथ में गरीबदास पंथ के में आगे जो पंथ लेगा उसमें मैं ही आऊँगा, और उस समय ये बात मेरी सच्ची होगी जो आज कह रहा हूँ। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि कबीर साहब ये कहते थे गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये वो हीरे मोती लाल थे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी, आदरणीय रविदास साहिब जी, क्योंकि वो भी परमात्मा ने काशी में ढूंढे, और भी बहुत से महापुरुष जैसे आदरणीय नामदेव साहिब जी भी परमात्मा उनसे मिले थे, और नामदेव साहिब ने कहा था कि एजी एजी साधो मोए सार शब्द मोए पाया, मुझे सार शब्द मिल गया। गरीबदास साहिब जी ने नानक साहिब जी के बारे में कहा है कि नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम क्या ही जाप करता था, नामदेव जी छिपी जाति में थे, नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी, जो परमात्मा ने बताया उसको कि बच्चा इस ओम से मोक्ष नहीं होगा अकेले से, एक मंत्र और है जो सतनाम बनेगा। फिर उसके बाद फिर बताया कि इस सतनाम में जो दो अक्षर से भी मोक्ष नहीं होगा, उस सार नाम आपको अवश्य चाहिएगा। तब कहा था नामा छिपा ओम तारी पीछे सोम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जो दलोई आवागमन बौर ना हुई। ये दो सार नाम प्राप्ति के लिए पुण्यात्मा आते हैं, ये एक नकल ना बनावे कि उसने मिल गया मुझे नहीं मिला, इस तरह इस मार्ग में नहीं चलेगा, आप बिछुड़ जाओगे। अब सतनाम क्या है, दो अक्षर का है जो आपको दे रखा है, जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले तीन नाम देते हैं, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख। अब ये तो ऐसे है जैसे अकाल मूर्त भी, अकाल माने जिसका कभी मृत्यु ना होए, और मूर्त माने साकार परमात्मा, उस मूर्त का कभी अंत ना होए, साकार परमात्मा अविनाशी परमात्मा, और सतपुरुष सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सतपुरुष अविनाशी परमात्मा, शब्द स्वरूपी राम शब्द खंड नहीं होता, यानी अविनाशी रूप परमात्मा, वो भी अविनाशी भगवान। तो इन तीनों का अर्थ एक ही है, जैसे जल पानी नीर करते रहो, इससे क्या लाभ होगा, वो जल मिले कैसे, वो सतपुरुष मिले कैसे, अकाल मूर्त मिले कैसे, वो उसका प्रोसीजर न्यारा है, जैसे हैंडपम्प लगाना पड़ता है जल प्राप्ति के लिए। तो सतनाम का दो अक्षर का काम तो बोकी मारन का और पाइप नीचे ले जाने का इतना समझो, और इसके बिना सार नाम काम नहीं करे, और सार नाम के बिना या वो की काम नहीं करे, पानी तक पहुंच भी गई जल तक, और एंड पंप यो सार नाम है ऊपर, वो मशीन बना बांध कर ऐसे घुमाते हैं, वो भी जाप करण का है, उसकी भी अभ्यास करना है। तो ये सारा कुछ मिलकर तीनों दो अक्षर का काम समझ लो, पानी तक पहुंच गए, जल तक पहुंच गए, जल तक पहुंचने के बाद फिर हैंडपंप लगाना अनिवार्य है ना, उस बिना भी व्यर्थ है, वो सारी मेहनत व्यर्थ गई। और हैंडपंप उस समय लगेगा जब आपका वो पाइप जल तक पहुंच चुका होगा,
उससे पहले लगाया नहीं जा सकता। तो जितनी आप साधना करते रहोगे मर्यादा में रहकर, तब आप उस निकट पहुंचोगे उस स्थान पे जहां जल है। और फिर ये सारनाम एक हैंडपंप ऊपर मशीन बांधनी है, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। और जब तक वो नहीं होगी, कोई कहता लगा दे मशीन मेरे ना हैंडपंप के, मिस्त्री मना करेगा कि अभी जल तक पहुंचा नहीं है, तो मूर्ख होगा जो इन्हों कहा तू लगा दे मेरा हैंडपंप, देखी जाएगी फिर के देखेगा उसमें घुमाया जाना, उसको कुछ भी नहीं आना उसमें। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? चतन सिंह नरवरिया, ग्वालियर मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करना और जैसे मंदिरों में जाना, यही साधना करते थे जो हमारी परंपरा में चली आ रही थी। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहां से जानकारी मिली? एक बार क्या हुआ सन 2007 में कि हमारे यहाँ पे भागवत हुआ था, तो भागवत होने के बाद एक कोई संत मिले, हमारे भैया थे नीलेश दास, वो बड़े हैं हमसे, तो उनको जैसे ही वो भागवत का जब भोग पड़ा उसके बाद एक संत मिला, उन्होंने वो सेवा क्रिया करते थे संतों की, तो उन्होंने ये कहा कि हम गुरु उसको बनाएंगे जो ये बताएगा कि ये संसार की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो उन्होंने कहा समय आने पर तुझे पता लग जाएगा, और इतना क्या कि वो संत जी चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक राघवेंद्र सिंह है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो उन्होंने बताया कि जो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं कि वो सृष्टि रचना कैसे हुई है, क्या हुई है, तो हमारे साथ चलो आप। मैंने कि कहाँ ले जा रहे हो हमें? तो मैंने कि हम तुम्हें लेके चल रहे हैं हरियाणा हिसार में, कि एक ऐसे संत हैं जो ये सब कुछ बताते हैं। तो वैसे ही उन्होंने परमात्मा की चाह थी पूरे परिवार को, हमारे माता पिता ने बाल योगेश्वर प्रेम रावत हैं जो सतपाल जी महाराज के छोटे भैया हैं, उनसे मम्मी पापा ने नाम ले रखा था। तो यही क्वेश्चन भैया किया करते थे, मैं गुरु बना लूँगा कि आप ये बताओ कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई, तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो वो राघवेंद्र दास जी के साथ गए, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज करौथा आश्रम से जेल से आए थे पहले भी, तो 2 महीने हुए थे। उसके बाद जब भैया पहुँचे, नहाया धोया, वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, और संत रामपाल जी महाराज वहाँ सृष्टि रचना बता रहे थे शास्त्रों के अनुसार, जब प्रमाण देखे तो उन्होंने नाम लिया। और ऐसे ही फिर उसके बाद हम उसके बाद सारा परिवार धीरे धीरे करके 27 दिसंबर 2008 को मैंने नाम प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हमारे परिवार को और जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं सबको संत रामपाल जी महाराज सब ने नाम ले रखा है, और सबको कोई ना कोई लाभ अवश्य हुआ है। जैसे हमें स्नोफीलिया था पहले, तो हम एक स्नोफीलिया होता है यहाँ फेफड़ों लंग्स में यहाँ दर्द करते हैं, तो हम एक इंजेक्शन रोज लगवाया करते थे, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, पर प्रार्थना की, तो उस दिन के बाद हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। और एक हम सारा परिवार हम भिंड से, हमारा ग्वालियर रहते हैं हम लोग, तो भिंड से ग्वालियर हम उसमें आ रहे थे कार में, तो JCB आ रही थी इस साइड में, और JCB से हमारी गाड़ी ऐसे निकल गई हमें पता ही नहीं चला। जैसे 3 टाइम की आरती देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सुबह की, दोपहर की और शाम की, तो अश्वत्थ के अंदर रेमेडी करते हुए आ रहे थे, तो इतनी सी जगह में परमात्मा ने गाड़ी निकाल दी, संत रामपाल जी महाराज ने गाड़ी निकाल दी, और हम लोग बिल्कुल सेफ बचा दिया, और परमात्मा ने वहाँ हमें खत्म हो जाना था। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे कोई अगर आने वाले समय में कोई पाप कर्म भारी हो तो उसको हल्का करके टाल देते हैं। ऐसा ही हुआ सन 2008 में, हमारे भैया ने नाम लिया, ठीक है, नाम लेने के बाद भक्ति करते रहे। 2011 में कोई पाप कर्म उनका आया, तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद यहाँ ग्वालियर में दिखाया विद्या हेल्थ इमेजन पे, तो वहाँ पॉजिटिव आया, तो फिर विश्वास नहीं हुआ, फिर उनके चलो यहाँ नहीं तो पहले गुरुजी पे चलते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज पे गए, तो वहाँ तो गुरुजी ने से संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि चेकअप कराओ, तो वहाँ ब्रेन ट्यूमर कैंसर पाया गया। तो फिर बोला कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा ऑपरेशन करा लो, परमात्मा आपके साथ रहेगा,
ठीक है। तो फिर आ गए हम लोग, फिर पैसे की व्यवस्था नहीं थी, 6-7 लाख रुपए खर्च होने थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जा बेटा घर, तू घर जा, तेरी पैसे की व्यवस्था मिलेगी। ऐसे ही अब जब हमने किसी को बताया नहीं तो रिश्तेदार पैसे लेके आ गए घर पे, ठीक है। जैसे ही पैसे लेके आ गए फिर दिल्ली गए, तो गुरुजी ने तो आदेश दे ही रखा था कि संत रामपाल जी महाराज साथ रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज। तो फिर हुआ क्या, तो जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए, तैसे ही जैसे मोबाइल रखा होता है तो ऑटोमेटिकली उस मोबाइल से, जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए तैसे ही मोबाइल में अपने आप आरती स्टार्ट हो गई। तो हमें विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी के मस्तक में सूली होती है तो वो कांटों में टल जाती है। जब भैया हमारे दिल्ली से पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में पड़ता है, वहाँ से ऑपरेशन करा के लौटे, तो उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरे भैया की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि उनको यम के दूत दिखने लगे। तो यम के दूत दिखने लगे, तो अब इतने में हुआ क्या कि हमारे आंखों में भी आंसू थे कि हम वहीं बैठे थे और हमारी भाभी हैं तो वो भी वहीं बैठी थी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज तुरंत वहां आ गए, तो और हमारे भैया को दिख रहे थे लेकिन हमें नहीं दिख रहे थे। तो यम के दूत बोलने लगे, बाहर खड़े थे, कि बोलने लगे कि हम इसको लेकर जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज बोले कि नहीं, आप इसको इसको नहीं ले जा सकते, हमने इसकी उम्र बढ़ा दी है। तो उसके बाद 10 मिनट हुआ ही होगा कि 10 मिनट में वो फिर एकदम से स्वस्थ होकर बैठ गए। लाओ खाना लाओ। 10 मिनट के पहले वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे थे, भाभी ने थोड़ी नमकीन दी वो भी नहीं खा रहे थे। और 10 मिनट बाद जो मैंने ये संकल्प लिया, तो उसके बाद तुरंत उठ के वो बोलने लगे कि रोटी लाओ। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बीमार तो थे ही नहीं। तो ये चमत्कार, ये सबसे बड़ा चमत्कार हमारे यहाँ हुआ। 2011 के बाद जब ऑपरेट करवाया, ये ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर कैंसर का, उसके बाद ये पूर्णतः स्वस्थ हैं, उसके बाद उनको कोई समस्या नहीं है। और आप प्रमाण के लिए देखना चाहें तो ये रिपोर्टें हैं जो मैं साथ में लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रमाण के लिए आप देखिए कि ये रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहा है कि इसमें ये उनका ब्रेन ट्यूमर है और ये पारस हॉस्पिटल का है, ये गुड़गांव में है जो, और ये रिपोर्ट है उनकी। इस रिपोर्ट में ये है भाई कि मेरे ब्रेन ट्यूमर से लेफ्ट साइड का हिस्सा पूरा गल चुका है। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है साहब साहब, आप देख सकते हैं कि इनका लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा बिल्कुल गल चुका था ब्रेन ट्यूमर की वजह से। और ये लास्ट स्टेज था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये रिपोर्ट है एक्सरे की, इसमें ये लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है, जो रिपोर्ट में भी दिया है, ये एक्सरे में भी दिया है, ये सारा गल चुका था। और डॉक्टरों ने 4 लाख रुपए जमा करा लिए थे स्टार्टिंग में, और कह दिया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे, और साइन भी करवा लिए थे। और ये मान के चलो वो तो ख़त्म ही थे, तो हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी पहले, तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा था कि आप ऑपरेशन कराओ, परमात्मा साथ रहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ जब ऑपरेशन हो रहा था तो परमात्मा साथ में थे, और ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि परमात्मा साथ में है और वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि वेदों में लिखा है कि सच्चे गुरु से नाम लेकर और सत्साधना करने वाले की परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और नाम दीक्षा लेकर अगर भक्ति करेंगे तो सारे सुख भी देगा परमात्मा, और सारे लाभ भी होंगे, और सारी दुख दर्द भी ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा कि संत हमारे भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ब्रेन का कैंसर हो गया, तो नाम लेकर अगर शरण में नहीं होते तो आज मृत्यु निश्चित थी, ठीक है। तो ये लाभ हमें, विशेष लाभ हमें ये मिला, हमारा घर बर्बाद हो जाता। एक लाभ और बताता हूँ कि हमारे पापा को कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी थी, जैसे गैंग्रीन बोलते हैं जिसको, तो उसमें क्या होता था, जैसे कांटा लग गया, कांटा लगने के बाद क्या, पूरा ये पैर साइड में तो पूरा मवाद दौड़ गया। तो डॉक्टर बोले कि भाई ये क्या, इसको पैर को काटना पड़ेगा। तो अब जब पापा हमारे बिल्कुल रोए, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो इतना कहते हैं कि पैर कटेगा, तो वो सोचने लगे कि एक पैर से हम कैसे लगेंगे, तो वो बहुत भयंकर रोए। तो रोने के बाद उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे उनकी गुरु जी से प्रार्थना लगाओ, संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई जैसे ही, तो उसके बाद डॉक्टर हैरान था कि भाई कल तो इतना मवाद था और आज क्या हो गया, आज क्यों सूख गया ये। तो बिल्कुल बिल्कुल सूख गया वो, और आज तक वो स्वस्थ हैं। एक बार एक लाभ और बताते हैं, पापा को वो जा रहे थे बाइक से, तो बाइक से जा रहे थे, एक बच्चा आ गया था छोटा था, तो उन्होंने एकदम ब्रेक लगाई, तो उनकी ये नाक भी फट गई, यहाँ से बिल्कुल गेरोस हो गए। तो एक और वहाँ परमात्मा ने रक्षा की, तो ये नाक फट गई थी, तो परमात्मा की दया से वहाँ भी कुछ नहीं हुआ।
तो बहुत सारे लाभ परमात्मा ने हमें दिए इस सत साधना से, संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम लिया। नाम लेने से पहले क्या है, हमारे यहाँ दारू का बिजनेस चलता था, तो जब नाम लेने के लिए गए तो संत रामपाल जी महाराज ने पापा से बताया कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोले कि तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार का नाश हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो उसी दिन से पापा ने बिल्कुल ये ठेके वगैरह सब दे दिए और उन्होंने बिल्कुल छोड़ के एक सादा जीवन व्यतीत किया। तो आज वो बात सिद्ध हो जाती, जैसा कि हमारे सामने इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, पापा का पैर कटना था, और भी एक्सीडेंट होने थे, उसमें हम सब खत्म हो जाने थे, तो आज वो सिद्ध हो जाती। वो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे कर्मों से बिल्कुल मेट दी और मेट के बिल्कुल आज हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। पहले जब शराब का हम बिजनेस करते थे, हमारे पापा करते थे, तो उसमें क्या है, दो नंबर का पैसा आता था, तो उसमें उस जो पैसा आता था उसमें कोई सुख शांति नहीं थी। और आज हमने ये सारे धंधे छोड़ रखे हैं, हमारे पापा ने छोड़ रखे हैं, तो आज हम बेशक कम कमाते हैं लेकिन वो पैसा जो कमाते हैं तो उसको बिल्कुल भी बीमारियों वगैरह इनमें खर्च नहीं करना पड़ता और आराम से जीवन यापन हमारा चल रहा है। जैसे कि पहले हम उससे 2-2 लाख रुपए आते थे लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो कोई दो नंबर का धंधा कमाकर अगर पैसा इकट्ठा करता है तो वो पैसा भी नहीं रहता और बीमारियों में लग जाता है और हमारे पाप कर्म बन जाते हैं, जैसे कि हमारे बन रहे थे, हमें पता ही नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इसको छोड़ दो, तो आज हम नाम लेने के बाद पैसे आते हैं, आज बिल्कुल कोई कमी नहीं दे रखी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने, लेकिन और फिर भी आज सारे सुख उसी हिसाब से परमात्मा सारे सुख दे रहा है। जबकि पहले हमारे मानसिक टेंशन रहती थी और बीमारियों से, कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, जैसा कि हमने बताया और रिपोर्टों में भी दिखाया, उसके बाद हम पूर्णतः, हमारा पूरा परिवार पूर्णतः स्वस्थ है और आज भगवान की भक्ति में, सन 2008 से लेकर आज 2019 हो चुका है और आज तक संत रामपाल जी महाराज की हम भक्ति कर रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी जो भी हमारे समाज में हैं और जो भी हमारे इससे पीड़ित हैं, इन बीमारियों से पीड़ित हैं, तो हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और मर्यादा में रहते हुए अगर भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे घर में कितनी समस्याएं थीं और कितने सारे रोग थे, तो हमने नाम लेते लेते ये सारी समस्याएं दूर कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। जब हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं तो आपकी क्यों नहीं? जब आप विश्वास करो और उनसे नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर अगर मर्यादा में रहते व्यक्ति करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी रोग, चाहे कैंसर, क्या ब्रेन कैंसर था ये संत हमारे भाई का, जो ब्रेन कैंसर ठीक हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? तो हम तो यही प्रार्थना करना चाहेंगे, दास तो संदेश कुछ नहीं दे सकता लेकिन प्रार्थना जरूर करेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जहाँ विभिन्न जिलों में नामदान सेंटर हैं, कई चैनल आते हैं, उन पर संत रामपाल जी महाराज के नंबर चलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं। आप जिस जगह पे हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन पे फोन करके वहाँ के नाम नज़दीकी नामदान स्थल को पता करके और वहाँ से आप नाम लेकर और फिर मर्यादा में रहते भक्ति करेंगे तो सारा लाभ देंगे संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।